व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हो रहे हो? सारे के सारे बढ़िया होंगे, तुम बना देंगे तुम्हें बढ़िया। सो फाइनली आ चुके हम वापस। एंड पता नहीं क्यों दे रहा हूँ मैं इंट्रो, एक रिएक्शन वीडियो नहीं है ये। बट अभी मैं तुमसे ना एक लाइक सीरियस बात करने वाला हूँ। सीरियस बोलो या प्रेडिक्टेबल बात बोलो, जो भी बोलो। एंड आई एम कीपिंग दिस वीडियो वेरी रॉ। आजू बाजू से कोई भी आवाज़ें आ रही होंगी क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ। बट मेरे अभी रात को मैं बैठा था एंड डांस कर रहा था, तो मेरे को एक दिमाग में एक चीज़ चुभी जो मैंने सोचा तुमसे बताना। मैं लाइक तुम्हें बताना क्या बोलते हैं उसे, मैं बताना जरूरी समझता हूँ। तो यस, अभी देखो ये वीडियो एकदम प्रिडिक्टेबल है, कन्फर्मेशन कहीं से नहीं आई है, बट तो भी थोड़ी बहुत साइंस से हमको लाइक ऐसा लगा, साइंस से लगा, समझ रहे हो ना। तो लाइक अभी मेरी बात ध्यान से सुनना तुम लोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमीवे की। तो अभी यहाँ पे हमने ये देखा कि एमीवे एक ऐसा आर्टिस्ट है जो बेसिकली अभी उन बंदों के साथ कोलैब कर रहा है जो लाइक पहले से फेमस है, ठीक है। वो कहीं से भी ऐसा रिस्क नहीं ले रहा, लाइक एक्सपेरिमेंट कर रहा है म्यूजिक के साथ, बट वो कहीं से भी ऐसा नहीं कर रहा है कि किसी छोटे आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर ले एंड देन फिर वो सोचे कि नहीं यार कुछ अलग लेवल पे लेके जाए हिप हॉप को। बट नहीं, वो जितना हो सकता है म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है एंड बड़े बड़े आर्टिस्ट को चुना है, लाइक क्रिस गेल हो गए एंड सोलिना हो गई, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ वो लोग कोलैब कर रहे हैं। सो अब सुनना, लाइक अभी थोड़े टाइम पहले ही लाइक मैंने ऐसा देखा था कि हनी सिंह, मैं अभी सोच रहा था कि नेक्स्ट कोलैब किसके साथ हो सकता है, तो सोचा मैंने हनी सिंह क्यों नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कोलैब करो। हनी सिंह को वो पसंद है, एमीवे को पसंद है एंड दोनों ने लाइव पे बोला भी है कि कोलैब करेंगे एंड बहुत जल्द आएगा बेसिकली, या सर बात हो गई है बेसिकली उन दोनों के बीच में, आई डोंट नो। सो ऐसा हो सकता है कि उन दोनों का कोलैब आने वाला हो एंड मैं अभी वही सोच रहा था। बट मैंने वो भी सोचा कि यार क्यों ना यंग सनस, क्यों कोलैब थोड़े दिन पहले ही एमीवे यंग सनस के तलांजुम के गाने पे लाइक वाइब कर रहा था। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। सो अगर उन्हें डिस जो चीज़ थी उसको ख़त्म ही करना होता, क्योंकि तुम सब जानते हो यंग स्टनर्स में से सिर्फ और सिर्फ तला यूनिस ने उनको डिस किया था और एक पर्टिकुलर डिस किया था एंड थोड़ी बहुत लाइक बार जुने बोले थे तला अंजुम ने। बट अगर उन्हें डिस ख़त्म ही करना होता क्यों ना वो तला यूनिस के वर्ड्स पे ही लाइक वाइब करते। अभी ये बात थोड़ी अजीब सी बात है पर मैंने तुम्हें बोली, बट अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वो ऐसा करते, बट उन्हें सिर्फ और सिर्फ तला अंजुम के लाइक वर्ड्स पे ही वाइब की, ठीक है। अब दूसरी यहाँ पे दूसरी फैक्टफुल बात बताता हूँ तुमको, अभी थोड़े टाइम पहले चैनकी की जली थी, क्यों? क्योंकि हनी सिंह ने तला अंजुम को फॉलो किया और तला यूनिस को नहीं किया। तो अगर वो यंग स्टनर्स को पसंद करते हैं तो तला यूनिस को फॉलो करना मतलब बहुत ही बड़ी बात होगी, मतलब तला अंजुम को फॉलो किया पर तला यूनिस को नहीं। सो अब एमीवे एक्स हनी सिंह, वो हमें बहुत टाइम से प्रेडिक्टेबल था एंड हनी सिंह ने भी लाइक तला अंजुम को फॉलो किया सिर्फ और सिर्फ तला अंजुम को इंस्टा पे एंड एमीवे ने भी सिर्फ तला अंजुम के वर्ड्स पे वाइब कर रहे थे। तो ये चलो लिंक्स मेरे को लाइक मिलती जुलती लगी यहाँ पे एंड मतलब एक नेपाली आर्टिस्ट के साथ भी मतलब उनका कोलैब की बात चल रही है। बट अभी जो सबसे बड़ा कोलैब आने वाला है मेरे को ऐसा प्रेडिक्टेबल लग रहा है कि इनका ही होने वाला है। अब कोई अगर कमेंट्स में मत लगना कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी चीज़ें देखो इस दुनिया में बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है, कोई किसी ने नहीं सोचा क्रिस गेल के साथ गाना आ जाएगा, एक दिन सिर्फ फोटो आता है आ जाता है गाना। डिवाइन का भी ऐसे एक दिन सिर्फ वो चीज़ें बोलता है, एक छोटी सी स्टोरी में लिखता है 11 AM जो किसी को नहीं पता, किसी रिएक्टर को नहीं मालूम, पर अगले दिन 11 सुबह उनका गाना आ जाता है। बहुत ही कम लोग बहुत नोटिस करते होंगे बट मेरे दिमाग में ये चीज़ें आई तो मैंने तुम्हें बताया। अब फालतू की बात नीचे लिखी कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन है, मैंने कंफर्मेशन कहीं पे भी नहीं दी है। एंड अगर तुम इससे रिलेट करते हो, तुम्हें भी ऐसा कहीं से फील हुआ हो, मुझे कमेंट्स में बताना। एंड यस, सो दैट वॉज इट, जो मेरे को लगा मैंने बोल दिया। अब सुनो, और मैं रिएक्शन इधर रोज़ ड्रॉप करता हूँ, तो अगर तुम्हें इंडिया पाकिस्तान एंड नेपाल सब जगह तो मैं सबकी न्यूज़ भी रखता हूँ, तो मुझे इस सब के बारे में पता होता है। तो ऐसा अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है बेसिकली तो मुझे बोलना कमेंट्स में, मैं ऐसे प्रिडिक्शंस वीडियो और भी बना सकता हूँ, और अगर क्या पता कोई उसमें से राइट चली गई तो प्यार बढ़ जाएगा। तो यस, डू सब्सक्राइब माई चैनल और मिलते हैं जल्दी किसी और प्रिडिक्शन वीडियो में, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है, वरना रिएक्शंस तो रोज़ आते ही है यहाँ पे। सो यस, मिलते तुमसे, तब तक स्टे सेफ, वेयर मास्क, टेक केयर एंड टाटा, पीस आउट।